हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और इजी स्नैक्स रेसिपी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और घर की चीज़ें ही इस रेसिपी के लिए हम यूज़ करेंगे। तो चलिए टेस्टी सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस टेस्टी और चटपटे नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, जिसे उबाल के छील के मैश कर लिया है। तो आप ग्रेट भी कर सकते हैं, इसे बाउल में डाल देंगे। साथ में ही 1/4 कप मैंने यहाँ पे स्प्रिंग अनियन लिए हैं। तो इस टाइम पे बहुत अच्छी आई हुई है मार्केट में स्प्रिंग अनियन, आप यही ले सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो नॉर्मल प्याज भी आप ले सकते हैं। साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा और एक लाल और हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है, इसे भी डाल देंगे। अगर आपके पास ये हरी मिर्च नहीं डालना चाहते तो आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। में कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून चाट मसाला लिया है, आप चाहे तो नींबू का रस ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून ही मैं यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, मैं यहाँ बहुत चटपटा बना रही हूँ इस नाश्ते को। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ही मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून धनिया, और अब बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 कप बेसन। तो बेसन डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है और बिना पानी के ही हमें इसको मिक्स करके तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, इसमें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आलू से बहुत ही अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा। देखिए, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एक डो के फॉर्म में ले आए हैं। अब हाथों को कर लेंगे थोड़ा सा ग्रीस, जिससे ये चिपके ना, और इस तरह थोड़ा सा एक नींबू के आकार का हम डो उठाएंगे और इससे मनपसंद शेप दे देंगे। चाहे आप टिक्की दे सकते हैं टिक्की की शेप में, या फिर अपने मनपसंद किसी भी शेप में इस स्नैक्स को दे सकते हैं। तो मैं इस तरह से यहाँ टिक्की बना लूँगी, तो मैं प्लेट में रख दूँगी इसे और इसी तरह से सभी टिक्कियाँ बना के तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, हमने सभी टिक्कियों को बना के तैयार कर लिया है। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, अब तेज़ ऑयल में हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इन्हें डीप फ्राई कर रही हूँ फ्रेंड्स। एक एक करके सभी टिक्कियों को डाल देंगे जितनी पैन में आएंगी, और इन्हें गोल्डन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। नीचे से गोल्डन होने पर हम इन्हें टर्न कर देंगे। तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर आ चुका है इनके ऊपर। तो इतना ही कलर आने तक हम इन्हें और फ्राई कर लेंगे, ताकि नीचे से भी इन पे इसी तरह गोल्डन कलर आ जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है स्नैक्स के ऊपर। तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। बहुत ही जल्दी बनने वाली स्नैक्स रेसिपी है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। दूसरे बैच के भी हमारे सभी स्नैक्स फ्राई होकर तैयार हैं। तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा स्नैक्स बनके तैयार है, और सारी चीज़ें घर में ही अवेलेबल हो जाएंगी इस स्नैक्स को बनाने के लिए, आपको मार्केट जाना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए। तो मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी और इजी हेल्दी रेसिपी के साथ।